एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो अभी हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल के रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश हुआ है। कहा जा रहा है कि जो हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल है ना, वो इस साल मतलब आ जाएगा। और आप सबको पता है लास्ट ईयर से ही इसके बारे में बात चल रही है कि एक डाटा प्रोटेक्शन बिल हमारे पास होना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो कैबिनेट है ना, इसने इसको अप्रूवल दे दिया। जो हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल होता है उसको पूरा कंप्लीट अप्रूवल मिल गया है। बट अब ये अप्रूवल के बाद कहाँ जाना है, इसको पार्लियामेंट में। और इस आर्टिकल के अंदर जो कंटेक्स्ट है ना, वो हमारा कह रहा है कि पार्लियामेंट में जो हमारा वो क्या नाम है, पार्लियामेंट का जो अभी मॉनसून का सेशन जब बैठेगा ना, तो इसमें इस बिल के बारे में बात हो सकती है। और अगर इस बिल को यहाँ पे परमिशन मिल गई तो हमारे लिए एक नया कानून, नया लॉ पास हो जाएगा जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से दो बिल की बात चल रही है, इसके अंदर हमारे दो बिल है। एक तो हमारा जो हमारा टेली कम्युनिकेशन जो बिल है उसके बारे में बात चल रही है, सेकेंड हमारा जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, और इसके अंदर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में हमारी बात चल रही है जो डिजिटल का हमारा होता है। तो आइए अब हम समझते हैं जो टेली कम्युनिकेशन बिल है वो क्या है, और डाटा पर्सनल प्रोटेक्शन बिल हमारा क्या है उसके बारे में। तो टेली कम्युनिकेशन बिल जो होता है ना, जो हमारे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हमारे यूज़ होते हैं, तो इसका जो पूरा ड्राफ्ट हमारा लास्ट ईयर ही रेडी हो गया था, 2022 में इसका पूरा ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और इसमें क्या है, जो टेली कम्युनिकेशन बिल होता है ना, वो हमारे रेगुलेट करता है। किस किस चीज़ को रेगुलेट करता है, जितने भी हमारे OTT प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म वो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो हमारे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गए, जो कि इंटरनेट बेस्ड हमारे होते हैं ना प्लेटफॉर्म, उनके रिगार्डिंग ये हमारा टेलीकम्युनिकेशन बिल। तो इसमें क्या चीज़ बात की गई है, इसमें कहा गया है जितने भी ये तीन सेपरेट एक्ट हैं हमारे इसके अंदर, वो तीनों के तीनों इस टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर आ जाएगा। वो तीन सेपरेट, जो तीन सेपरेट हमारे इसके अंदर है लॉज वगैरह एक्ट, वो हमारे कौन कौन से है। एक तो हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का ये हमारा इंडियन जो हमारा टेलीग्राफ एक्ट है। दूसरा हमारा आता है इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, ठीक है, टेलीग्राफ एक्ट, ये हमारा कब का है, ये हमारा 1933 का है। इसके साथ साथ इसके अंदर आता है टेलीग्राफ वायर, ठीक है, टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारा आता है 1950 का। तो इसके अंदर ये जो तीन सेपरेट बिल है ना, इन तीनों को इसके अंदर कवरअप किया जाएगा। अब आपको इन तीनों बिल की एक खासियत दिख रही होगी, आपने सबने नोटिस कर लिया होगा कि ये हमारे कितने पुराने हैं ना, एक 1885 का है, दो 1993 का है, और एक 1950 का है। तो मतलब ये कितने पुराने हैं, और आपको पता है आज के टाइम पे हम कितने इंटरनेट बेस्ड पे हम हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं कि इतने सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि डाटा के रिगार्डिंग इतने सारे प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये नए बिल की ज़रूरत है। और आपको पता है कि 2019 में भी एक बार इसके रिगार्डिंग हमारा बिल वगैरह पास हुआ था, जो कि इतना वो बेनिफिशियल नहीं था, जिसको मतलब कमियाँ बता बता के उसको हटा ही दिया था, तो वो नहीं आ पाया था। तो अब भी की जो होप है ना कि वो अब की बार पास हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसके अंदर हमारी जो है ट्राई की पावर भी आएगी। ठीक है, एक ट्राई क्या होती है, ये जो ट्राई है ये हमारा वो है जो कि हमें इशू करता है इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब जो हम लाइसेंस, ठीक है, इसके अंदर आता है लाइसेंस इशू करते हैं जितने भी ये हमारे OTT प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम स्टार्ट हो रहा है, जितनी भी सिम कार्ड वगैरह हम कंपनी आती है, एयरटेल आइडिया वगैरह, इन सबको जो लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम करता है वो टैली करता है। अब टैली की फुल फॉर्म क्या होती है, जो कि हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारी टैली है, जो कि इसका बहुत सारा काम होता है। एक तो इसे लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा इसे रेगुलेशन वगैरह जितने भी इसके रिगार्डिंग जितनी भी पावर वगैरह होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, क्रूशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इशू है, उन सब के रिगार्डिंग हमारी टैली बात करता है। और इस बिल के अंदर क्या है, क्या जा रहा है कि जो डाइल्यूट है उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी काम वगैरह है उसके अंदर हमें कर दिए जाएंगे, इस बिल की थोड़ी सी पावर है ना कम देखने को मिलती है, जिसके साथ जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको एक तरह से सारी जो है ना इसको इसके अंदर मिक्स कर दी जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारी बात चल रही है इसके अंदर OTT रेगुलेशन की। अब OTT कितना ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, कितने प्रॉब्लम की चीज़ें हैं, कई बार कितनी सारी चीज़ें गलत दिखाते हैं, मिसगाइड करता है लोगों को। तो OTT जो प्लेटफॉर्म है हमारे, जैसे व्हाट्सअप कॉल हो गई, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल मीट हो गई, तो ये जितने भी हैं हम जिससे वीडियो कॉलिंग वगैरह कर लेते हैं, तो इसके अंदर क्या इशू आता है कि लोग है ना इंटरनेट तो ले रहे हैं, एयरटेल का ले रहे हैं, आइडिया का ले रहे हैं, बट उसके बाद वो व्हाट्सएप वगैरह को यूज़ कर रहे हैं। तो OTT रेगुलेशन को भी इसके अंदर रखा जाएगा। और क्या पता है, जब ये OTT रेगुलेशन आ जाए तो क्या पता जो आपका व्हाट्सएप चल रहा है,
आज के टाइम पे, क्यों ये व्हाट्सअप आपका उसके बेस पे चलने लग जाए, आपसे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह मांगने लग जाए, क्योंकि टैरी जो होगा ना, ये जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन बिल होगा, तो गवर्नमेंट इनसे भी है ना एक तरह से पैसा लेगी इसके रिगार्डिंग, इनके जो सर्विस नेटवर्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रोविज़न ऑफ रिफंड, इसके अंदर जो रिफंड का प्रोविज़न भी रखा जाएगा। अब रिफंड इसमें क्या चीज़ आएगी, जो हमारा कहते हैं ना कि जो सरेंडर जो लाइसेंस वगैरह ले रहे हैं, जो कंपनी कई बार लाइसेंस ले लेते हैं बट उनकी क्या है, कंपनी नहीं चलती, अगर उनकी कंपनी नहीं चल रही तो उनको क्या है, रिफंड भी मिलेगा अगर वो लाइसेंस लौटाते हैं अपना, तो इसके अंदर प्रोविज़न रिफंड भी डाला जाएगा। तीसरा आ रहा है डिफ़ॉल्ट पेमेंट बाय लाइसेंस, ठीक है, जो पेमेंट हो रही है लाइसेंस के लिए उसको भी डिफ़ॉल्ट किया जाएगा, ठीक है। कैसे, जो हमारा लाइसेंस वगैरह है टैरी की हेल्प से जो लोग ले रहे हैं, तो अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, आप उसके पैसे नहीं दे पा रहे, तो आपको देरी हो रही है, तो कह रहा है टैरी उसकी हेल्प करेगा, गवर्नमेंट भी उसकी हेल्प करेगी कि उसको कैसे कैसे करके सॉल्व किया जाए। तो और इसके अंदर हमारा आता है इंसॉल्वेंसी, जो हमारा दिवालिया घोषित हो जाता है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी को कोई कोई कंपनी क्या होता है, लाइसेंस ले लेते हैं पर उनका दिवालिया घोषित हो जाता है, तो क्या है, गवर्नमेंट है ना उसको अपने सेंटर गवर्नमेंट उसको अपने अंडर ले लेगी, जो टैरी वगैरह होगा वो उसके ऊपर आगे वर्क करने की कोशिश करेगा। इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन जो हमारा डेवलपमेंट फंड होते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। इसके अंदर क्या बात है कि कहा जा रहा है जितने भी विलेज एरिया वगैरह हैं, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन का जो फंड वगैरह इकट्ठा होता है, जितने भी गांव है ये दूर दराज के एरिए, यहाँ पे क्या है टेलीकम्युनिकेशन की लाइन वगैरह इंटरनेट की सुविधा पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो भी फंड यहाँ पे डिपॉजिट होता है। आज के टाइम पे अब हम बात करते हैं इसका प्रेजेंट सिनेरियो हमारा क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो प्रेजेंट के टाइम पे कहा जाता है जो टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है हमारी, ये जो टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट है हमारी पूरी के पूरे वर्ल्ड में, सेकंड लार्जेस्ट जो इंडस्ट्री काम करती है ना इसके अंदर, वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पे नंबर आते हैं। इवन कहा जा रहा है कि जो 2022 के मुकाबले अगर हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे ना 2022 के मुकाबले, तो मतलब हमारे इंडिया में टोटल 1.17 बिलियन आपको सब्सक्रिप्शन दिखेंगे, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रेड हो रही है बहुत। ओवरऑल इसकी टेंडेंसी की बात करूँ तो 85% इसकी टेंडेंसी देखने को है। और आपको पता है प्रेजेंट टाइम पे 3G 4G 5G 6 ये सारे के सारे आपको नेटवर्क मिल गया, और इवन 6G की भी यहाँ पे बात चल रही है। तो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब आज के टाइम पे बहुत अच्छा गेन किया गया है इसने पॉपुलैरिटी वगैरह। इवन इसमें क्या कहा जा रहा है, जो हमारी कहते हैं ना फॉरेन जो हमारी FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इंडिया में है ना ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लो है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से इसको काउंट किया जाता है, थर्ड नंबर पे ये सेक्टर आता है हमारा जिसमें फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है, तीसरे नंबर पे है, जो कि हमारे टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में। इवन जो US वगैरह है ये सारी की सारी है ना कंपनियाँ इनकी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, और ये पता है 2014 के से लेके 2021 तक अगर इसका रोज देखेंगे कितनी उससे इंक्रीज है, तो 150% की दर से ये इंक्रीज़ हो रहा है अगर पिछले से पिछले साल का कंपैरिजन करा जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ 2014 की, तो इस टाइम पे आपको ये 8 बिलियन के आसपास दिख रहा था, बट 2021 में ये आपको 20% बिलियन आपको देखने को मिल रहा है, 20 बिलियन के अप्रोक्स। तो जो टेलीकम्युनिकेशन है हमारा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने वाला है, और इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी इसका थर्ड नंबर पे आ रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अगर सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ना ये वर्क कर रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो दूसरा बिल है वो हमारा किस पे बात करता है, डाटा प्रोटेक्शन बिल। अब डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, डाटा प्रोटेक्शन बिल हमारा जो जो पर्सनल डाटा होता है किसी पर्सन का, ठीक है, पर्सनल डाटा के रिगार्डिंग ये हमारी बात कर रहा है। जैसे आपको पता है पर्सनल डाटा में हमारे कौन से आते हैं, फाइनेंशियल हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल, बायोमेट्रिक, आई का हो गया, फेशियल का हो गया, हमारा कास्ट बेस्ड चीज़ें हो गई, रिलीजियस बेस्ड चीज़ें हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है ना, ये सारे का सारा एक तरह से पर्सन का जो कहता है पर्सनल डाटा कहता है, इंडिविजुअल का एक पर्सनल डाटा है। तो इसके बिल के अंदर ये सारी चीज़ें इनके रिगार्डिंग भी वर्क करेगी। तो अब जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है ये इसके क्या क्या की फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो इसकी सिक्योरिटी वगैरह के बारे में इसके अंदर बात करने की बात चल रही है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा फीचर है ये डाटा प्रिंसिपल, ठीक है, डाटा प्रिंसिपल, एंड जो सेकेंड है इसी के अंदर हमारा आता है एंड डाटा फ्यूडिसीरी, ठीक है। अब ये जो डाटा प्रिंसिपल ये हमारे क्या है, डाटा प्रिंसिपल हमारा है जो हमारा पर्सन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन जो डाटा यूज़ कर रहा है, ठीक है, जिसका डाटा मतलब दूसरी कंपनियां ले रही हैं वो इंडिविजुअल पर्सन इसके अंदर आता है।
और फिड्यूरेसी क्या है, फिड्यूरेसी हमारे जो हमारा जो फिड्यूसरी है ये हमारा वो है जो कंपनियां हैं जो हमारा डाटा लेती हैं। आप किसी भी कहीं पे भी आईडी बना रहे हो तो कोई कंपनी, आपने खाने की उस पर आईडी बनाई है तो वो कंपनी है जो आपका डाटा ले रही है, डाटा जो कलेक्शन करती है वो फिड्यूसरी होती है। अब इसमें क्या है, कंपनी जो भी डाटा कलेक्शन कर रही है ना तो उनको कहा जा रहा है कि जो हमारा डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत कहा जाएगा इनको ना एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक तरह से मॉनिटर करेगा जितने भी पर्सन का, इंडिपेंडेंट पर्सन का, इंडिविजुअल का जितना भी डाटा उसको मॉनिटर करेगा, उस पर नज़र रख के रखेगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो इसकी बात चल रही है, दूसरी हमारी इसके अंदर बात है राइट ऑफ इंडिविजुअल कि पर्सन टू पर्सन हर पर्सन का राइट को भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उनके जो डाटा वगैरह उसकी जो प्रोटेक्शन वगैरह अच्छे से करनी पड़ेगी। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हम किसी का डाटा ले रहे हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन हमें पूरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आपका डाटा हमारे पास है, ठीक है, मतलब उस पर्सन को बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और वो जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना उस पर्सन को जितनी भी हमारे एज शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस हैं उन सारी लैंग्वेजेस में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक मतलब जो हमारा डाटा प्रिंसिपल है जो हमारा इंडिविजुअल है उसको, ठीक है। राइट टू कंसेंट, मतलब एक तरह से कंसेंट से लेनी पड़ेगी पर्सन को कंसेंट, अगर वो पर्सन कंसेंट दे रहा है कि आप उसका डाटा रखो तो आपको डाटा रखना है नहीं तो नहीं रखना। इसके अंदर हमारा राइट टू इरेज की बात आ रही है कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि उसका डाटा इरेज हो जाए तो उसको इरेज करना पड़ेगा, बिल्कुल इरेज करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को ना बहुत ईजी बनाना पड़ेगा, ठीक है, इतना टफ नहीं कि वो पर्सन हार ही मान जाए और उसको ना करे, ठीक है। राइट टू नॉमिनेट, इसके अंदर नॉमिनेट का भी ऑप्शन होगा कि अगर किसी पर्सन ने अपना डाटा दे रखा है और बाद में इन द फ्यूचर वो क्या चाहता है कि अपने डाटा को किसी और पर्सन के ऊपर भी छोड़ सकता है कि हाँ अगर इसको कोई चेंजेस करने है कोई चीज़ चाहिए तो वो इसमें से ले सकता है, तो राइट टू नॉमिनेशन का इसके अंदर होगा। इसके साथ साथ डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा हमारे एक, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो हमारा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है एक सेट होगा जो क्या है एक तरह से पूरे पे एंश्योर करेगा, एक चीज़ निगरानी रखेगा, अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो पर्सन है ना इस बोर्ड में जाके फाइल कर सकता है कंप्लेन अगेंस्ट, ठीक है, जो भी कंपनी है उसके अगेंस्ट क्या है कंप्लेन फाइल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफ़र के ऊपर भी इसी के अंदर ध्यान रखा जाएगा और उसके साथ साथ जो हमारा डाटा प्रिंसिपल है, ठीक है, जो हमारा पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन है उसके ऊपर भी इसके रिगार्डिंग होगी, इसके लिए जो इंडिविजुअल पर्सन होगा उसके बारे में इसके अंदर चीज़ देखी जाएंगी, जो कि मतलब अगर वो जो डाटा प्रिंसिपल अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और जो कि मतलब एक तरह से गलत है, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह फॉल्स शेयर कर रहा है तो उस पर्सन पे भी कार्रवाई होगी, ठीक है, और उसमें क्या है 10,000 तक का उसे जुर्माना वगैरह देना पड़ेगा। और एक हमारे फाइनेंशियल पेनल्टी, ठीक है, फाइनेंशियल पेनल्टी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये फाइनेंशियल पेनल्टी किसके ऊपर होगी, ये हमारी जो हमारी कंपनी वगैरह है अगर वो किसी डाटा को ब्रीच करवा रही हैं या खुद से डाटा ब्रीच कर रहे हैं तो उन कंपनियों को क्या 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ेगा और अगर पर्सन फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे के साथ जो जो फीचर्स है ना की फीचर इसके अंदर है, बट इसमें एक चीज़ और बोली गई है, एक एक्सेप्शन केस ले रखा है, ठीक है, अब एक्सेप्शन केस में कौन हो सकता है, आप खुद से छोड़ दो, इसके अंदर हमारा एक्सेप्शन है जो कि गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको पूरा अधिकार है आपके डाटा को यूज़ कर सकती है, वो कैसे भी कंट्रोल कर सकती है इस डाटा को कम्प्लीटली, ठीक है, वो कंप्लीट तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप ये सोचो कि हमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है डाटा प्राइवेसी बिल की, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज होता होगा, जैसे आपको पता है कि 2019 में बिल तैयार हुआ था बनके बट उसमें बहुत सारी कमियां देखी गई थी जिसकी वजह से हमें बिल लेके ही आना है कि लोगों की जो डाटा प्राइवेसी वगैरह है वो ब्रीच हो रही है। जैसे कि आपको पता है डाटा प्रोटेक्शन की एक बात उठी थी, प्राइवेसी जो पर्सन का प्राइवेसी कंसर्न है जिसके अंदर आर्टिकल जो 21 है इसके अंदर हमारा डाटा प्राइवेसी जो पर्सन की प्राइवेसी उसको काउंट कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें 2017 में एक हमारा केस आया था जो जस्टिस KS पुत्तास्वामी वर्सेस जो हमारी यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें एक केस आया था 2017 में जिसमें क्या है डाटा ऑफ प्राइवेसी की बात चली थी, उस टाइम से ही जो डाटा ऑफ प्राइवेसी है हमारा बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे इंटरनेशनल अगर मैं बात करूँगी इंटरनेशनल लेवल पे तो जो हमारा यूरोपियन यूनियन है वो भी इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, इन्होंने क्या बना रखा है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये हम फोकस करता है कि डाटा पर्सन डाटा जो
किसी पर्सन का पर्सनल डाटा है ना, उसके रिगार्डिंग लो है कि वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। इसके साथ यूएस ने भी अपना एक मॉडल बना रखा है जो कि रिगार्डिंग बात करता है, डिफरेंट है वो दोनों, पब्लिक और जो प्राइवेट है ना लोग, उन दोनों के लिए डिफरेंट है कि उनका डाटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनके रिगार्डिंग कैसे लो वगैरह इसके अंदर मेंटेन किए जाएंगे। ठीक है, तो यही पूरी पूरी जो हमारी बात है ना, इसके अंदर यही बातें रखी गई हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो अभी जो बिल अगर पार्लियामेंट से गलती से पास हो जाता है तो ये हमारा, हमें इस लोगों को मानना पड़ेगा और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबको इसको मानना पड़ेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।